नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। दोस्तों आज हम क्लास ट्वेल्थ के सोशियोलॉजी में, बच्चों क्लास ट्वेल्थ के सोशियोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 का बच्चों पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है बच्चों, ठीक है। क्योंकि इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों अर्जित लक्षण, और उसके बाद पढ़ेंगे इसमें जनजाति की जीवनी, ठीक है बच्चों। क्लियरली ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, उसके बाद कवर करेंगे जनजातियों के प्रति दृष्टिकोण, और बच्चों ये टोटली टॉपिक आप लोग का आज ही कवर होगा, ओके ठीक है। तो वीडियो आप लोग की बहुत लंबी नहीं होने वाली, बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है। चैनल पे अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और अभी तक मैंने जितने भी क्लासेज ली हैं, यदि आपका वो क्लासेज छूट गया है बच्चों, तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ी जनजातियाँ गोर, भील, संथाल, ओराव, मीना, बोडो और मुंडा है। इन सभी की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 8.6% जनजातियाँ पाई जाती हैं। अर्जित लक्षण देखें बच्चों, अर्जित लक्षण आजीविका के आधार पर जनजातियों को मछुआ, खाद्य संग्राहक, आखेटक, झूम कृषि करने वाले कृषक और बागान तथा औद्योगिक कामगारों की श्रेणियों में बांटा जा सकता है। क्लियर है, चलिए। जनजातीय समाज गैर जनजातीय समाज में शामिल होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अपनी पहचान एवं संस्कृति को खो देंगे। जनजाति की जीवनी बच्चों, आदि काल में जनजाति समाज का अभिन्न हिस्सा थी। जनजाति जो थी बच्चों, वो समाज का अभिन्न हिस्सा थी। उसका शोषण औपनिवेशिक काल में हुआ, जिससे वे सामाजिक रूप से पिछड़ गए। जनजातियों का संबंध कई वर्गों से रहा है, जैसे गौंड जनजाति मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राजस्थान में राजपूतों के सैन्य संगठन में जनजातियों का महत्वपूर्ण योगदान था। अंग्रेजों के शासनकाल में जनजातियों को बागवानी का अस्थायी मजदूर बनाया गया तथा उनका भरपूर शोषण हुआ, ओके डियर। चलिए, जनजातियों का दृष्टिकोण थोड़ा सा बच्चे ब्लर है आप लोग का, ध्यान से समझिएगा इसे, ठीक है। थोड़ा सा पीडीएफ यहाँ ब्लर हो गया, आप देख सकते हैं। औपनिवेशिक युग ने जनजातियों को एकाकी समुदाय के रूप में वर्णित किया। वन नीति के कारण जनजातियों के महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। जो ये जनजातियाँ थी बच्चों, इनमें क्या हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कुछ जनजातियों के लिए वन प्रयोग के कुछ निर्धारित कर दिए गए थे बच्चों। महाजन जनजाति को पैसा उधार देकर उन्हें अपने चंगुल में फंसाने लगा। समाजशास्त्रियों ने जनजातियों के संदर्भ में दो विचार दिए। पहला है पृथक्करण का, पहला विचार है बच्चों पृथक्करण का। आदिवासियों को उनकी निजता के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए तथा महाजनों द्वारा शोषण पर रोक लगानी चाहिए। दूसरा पॉइंट है बच्चों एकीकरण का। जनजातियों को समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा मानकर उसे समान सुविधा देनी चाहिए। क्लियर है, चलिए। जनजातियों को संविधान में स्थान देकर उनके विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ, जनजातीय योजनाएँ तथा आरक्षण देकर उनके समाज को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो टॉपिक जितने भी थे आज के बच्चों हमने कवर कर दिया। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।